अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं झींगा कढ़ाई। तो चलें स्टार्ट करें। सबसे पहले 300 ग्राम झींगे में शामिल करेंगे एक खाने का चम्मच लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच हल्दी, एक खाने का चम्मच धनिया पाउडर, एक खाने का चम्मच नमक और एक खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम तकरीबन आधा घंटे के लिए रखेंगे। अब एक पैन में आधा कप तेल डालकर इसमें हरी मिर्चें फ्राई करेंगे। जैसे ही हरी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब तेल में मसाले लगे झींगे शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से तेल में भूनेंगे। हमें याद रहे तेज आंच पे बनाना है, आंच हल्की नहीं करनी। तेज आंच पे हमें जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए इसे भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। अब इसे ढककर तेल अलहदा होने तक पकाएंगे। अब आप देख रहे हैं तेल बिल्कुल अलहदा हो चुका है और टमाटर भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें आधी चाय का चम्मच नमक और शामिल कर देंगे और एक खाने का चम्मच सूखी मेथी ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तली हुई मिर्चें भी डाल देंगे। तो लीजिए, हमारी झींगे की कढ़ाई तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।